पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या में साफ शूटर सुभाष बानुड़ा का भी नाम आ रहा है। सुभाष बानुड़ा गैंगस्टर बलवीर बानुड़ा का बेटा है। वही बलवीर बानुड़ा जिसकी साल 2014 में बीकानेर जेल में हत्या हो चुकी है। सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील के बानुड़ा गांव का रहने वाला बलवीर बानुड़ा साल 1996 में सीकर कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ दूध बेचने का काम करता था। इसी दौरान बलवीर बानुड़ा शराब के कारोबार में उतर गया। उस वक्त दातारामगढ़ पुलिस ने बलवीर बानुड़ा को पकड़ लिया और इसी दौरान उसकी दोस्ती कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ से हो गई। साल 2004 तक दोनों में अच्छी दोस्ती रही, साथ में गैंग चलाई और साथ में अपराध करते रहे। 1998 में सीकर में हुआ भेबाराम हत्याकांड को भी राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा ने ही अंजाम दिया था। लेकिन साल 2004 में जीण माता के एक शराब ठेके को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और झगड़ा दुश्मनी में बदल गया। राजू ठेठ ने ठेके पर बैठने वाले सेल्समैन की हत्या कर दी जो बलबीर बानुड़ा का साला लगता था। अपने साले की हत्या का बदला लेने के लिए बलबीर बानुड़ा ने गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसकी गैंग में शामिल हो गया। बलबीर बानुड़ा और आनंद पाल सिंह ने साल 2006 में राजू ठेठ के करीबी गोपाल फोगावट की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों गैंग एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई, जहां मौका मिलता एक दूसरे के गुर्गों को निपटा देते। 2014 में आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा दोनों बीकानेर जेल में बंद थे। इसी दौरान राजू ठेठ ने दोनों को मारने का प्लान बनाया। राजू ठेठ गैंग के दो गुर्गों ने आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा पर गोलियां चलाई। इस दौरान आनंद पाल तो बच गया, लेकिन बलबीर बानुड़ा मारा गया। बलबीर बानुड़ा की मौत का बदला लेने के लिए सुभाष बानुड़ा जुर्म की दुनिया में आ गया और लगातार अपराध के दलदल में फंसता चला गया।